पता नहीं हम लोग आ रहे हैं उसे हम लोग धड़ दो पूछने वाले हैं। मोदी उनके कानों में चिल्ला रहे हैं अरे वो कौन सा फोन था? I love you. अभी लॉन्डो वेलकम टू सिक्स्थ व्लॉग मेरा छठा व्लॉग शूट हो रहा है तो इसका फुटेज ले लेगा छठा व्लॉग शूट हो रहा है मेरा भाई तुझे पता उसकी कहानी है मैंने एक्सपी वाला शूट क्यों पाया किस आदमी की वजह से इसकी वजह से इसने इसके किसी कांटेक्ट ने बोला था कि नंबर दो मेरा हमें शूट करना तो मैंने यश को नंबर दिया मैंने बोला यश को नंबर दिया यश को नंबर नहीं दिया यश को तो नंबर है ही भाई यश पे नहीं होगा क्या नंबर दूसरे वाला जो किसके साथ करा है प्रथम के साथ गया था किसके साथ करा साधिका जी साधिका मैम के साथ करा हमने वो साधिका मैम आप अर्पित को तो अच्छी लगी थी मैं तो इज्जत करता हूँ साधिका मैम साधिका जी तो इनकी दोस्त है वो बता रही थी अर्पित के बारे में ये देखो दोस्तों क्या चल रहा है यहाँ पे नया सिस्टम आ रहा है इसका नाम है हॉलीडे होम लोन बता दे सब स्कीम बता दे चिल्ला चिल्ला अरे ये बहुत लेट आएगा व्लॉग अभी पहले के दो महीने के वीडियो इतनी लेट आएगी हाँ भाई अभी लगेगा कम से कम एक महीना तो इसे खत्म करने में ज़ूम इन कर दे प्रथम पहले पूरा और फिर अर्पित को लियो अरे ये तो अर्पित वाला है हाँ बोले तो बहन की गाली बुन्ना माई तेरी बहन की भी बुन्ना माई तीसरा एक ही झटके में ये भी के लैच बल्ला ही छूट हमसे ऐसे का लड़ने में बैठे हो बॉल ही नहीं दी खुदी रुक जाओ ये जस्टिफाई कर बीसीआई को मत कर यार ओ बहन डालियो तेज डाल रहा है स्पिन डाल लंड पे मार डियोर कर कोई प्रथम ये देखे तुमने टिक पकाओ चलते हैं भाई चलते हैं भाई एक और उठा ले एक और थोड़ा सा नहीं भैया रखो से रखो बस चल बाहर से चिल्ला भी नहीं ना से देख रहा फट और रही है आइस में होता ना मम्मी का केक में अंडा क्यों है वो उठा ले चार पॉइंट अरे खट्टी हो गई बेकार हो गई मैंने खट्टी तो भी खाई है सीधा मौत ने कहा सार पंख खाऊं 24/7 पे अब तो बिल्कुल नहीं खा रहा वन वीक लेटर रिकॉर्डिंग हो रही बाबा लेट्स गो तो आज हम आ चुके हैं फरीदाबाद की इस पावन मूवी पे यहाँ पे हो रहा है क्या नाम है नाम क्या है सीरीज का क्या नाम है सीरीज का भाई मेरा जी है ऐसी जिंदगी दो हॉलीडे होम कट्टे उठाऊंगा हॉलीडे होम ये नहीं है नाम हॉलीडे होमवर्क नहीं है ना चेंज कर दिया नहीं ये तो था ही नहीं कभी मुझको भी हॉलीडे होमवर्क ही तो जो भी है तो उसकी स्टोरी बोर्डिंग के लिए आज हम जा रहे हैं अर्पित जी घर पे क्योंकि वो पिछली बार भाग गया था वहाँ से रिमांड पे निकला था फिर से नहीं हो रहा ये सब मेरे को नहीं करना तो आज हम फिर से जा रहे हैं उसके बाद उसकी गांड मारेंगे उससे काम उसे पता नहीं हम लोग आ रहे हैं उसे हम लोग धड़ दो पूछने वाले हैं उसको कोई खबर नहीं कोई अंदाजा नहीं है कि हम आ रहे हैं ओपी कार वॉशिंग पे हम लोग पहले गाड़ी धुलवाना चाहेंगे ओपी हो गया भाई ओपी यार ये गेमिंग की दुनिया वाले जोक सब चलते भी तो नहीं है ना क्यों नहीं चलते है? नीश है ना भाई ये आपने नहीं देखे तन्मय भट्ट के व्लॉग सही बात है ओपी तो उसने एकदम पब्लिक में लाके पटक दिया ऐसे और ओपी को ओपी की मार ओपी के स्टॉक गिरा दिया जिस दिन से मार्केट में आया हम लोग आ गए अब कैन कोल्ड ड्रिंक पे कैन कोल्ड ड्रिंक जिसको नहीं पता देखो अभी हम आए यहाँ से ये आए इधर जाके कह रहा आंटी दे दो पहले तो और फिर आंटी आ गए आंटी नहीं हूँ मैं क्या लेना है भाई पैटी दे दो और एक डबल स्विच भी हेलो अर्पित
भाई आ गए हम लोग नीचे। ओ मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया, ये कुशल भाई हैं। हेलो कुशल भाई। कुशल भाई तो सैट रहते हैं। कुशल भाई एक्चुअली क्या करने आए हैं, कुशल भाई हैं बहुत बढ़िया ड्राइंग आर्टिस्ट। क्या बोलते हैं उसे, स्केच आर्टिस्ट बोल दिया भाई, आर्टिस्ट बोल दिया। वाह, वो आप आर्टिस्ट तो बोलेंगे नहीं आपको, आप हो यार दूसरे। ये वो है सेडिस्ट है कुशल एक्चुअली ना थोड़ा सा। अबे भाई ऐसा क्यों बोल रहा है नहीं तू तो थोड़ा तो सेडिस्ट क्या सैड है ये लाइफ तो थोड़ा सैड है, इसलिए मैं इसे मोटिवेट करता रहता हूं इसकी गांड मार मार के। भाई हाथ सेक लो, गर्मी हो रही है। हाथ सेक लो, ये देखो एसी के आगे हाथ गर्म हो रहे हैं, हाथ सेक लो। ये देखो हेयर ड्रायर, गाड़ी का ब्लोअर चला के हेयर ड्रायर कर रहा है। हीरो है भाई लड़का ये। तेरे झूठों दा लकनी क्या नाम है इसका, सिम्बा बियर कुछ नहीं करेगा, छोड़ दे छोड़ दे कुछ नहीं करेगा, काट भाई मूंछ का बना रखा पट्टा देख ले लाल हरा का पट्टा। क्या बात है, चलो सर पे बाल आ भी तो है ना। डॉग पुलिस कुशल को अच्छा लगता है ना कुत्ता, नहीं या कुत्तों को कुशल पता नहीं भाई, अरे चीख दिया, स्मेल कर रहा है तो। चलो ऊपर सिम्बा गो। सिम्बा को इंग्लिश आती है, बैठना आता उसे। सिट डाउन इंग्लिश में, हैंडशेक नहीं आता। चलो आजा सिम्बा कम। ये वाओ अपग्रेड हो गया सेटअप, थोड़ा साफ हो गया। सिम्बा लाला बैठ जा, लाला कीड़े चाले करोगे घर में घुस के चाय पी के आते, तुमको खुद को मालूम है। सिम्बा आ जा ऊपर, आ जा ओके बहन चो। काट लिया, आ गया यस आ गया। अभी ये इधर ही बैठा है, ढूंढ रहा हूं कहां पे रखना तुमने खाना। किसी को काटा है इसने अभी तक? कहां ना बहुत ही काटता है, इसके दांत भी शार्प नहीं है। ब्रश नहीं करता क्या? क्या मैं बहुत उड़ू भाई, ये हर व्लॉग में सो जाता है मेरे, जब भी मैं व्लॉग करने की कोशिश करता हूँ ये सो जाता है। ये देखो ये काम करने आए हैं, ये काम करेंगे, ये बनेंगे डेंगरी शू चुन्नी मेरी रंग दे लला रही। ये देखो भाई इन्होंने भूत देख लिया, ये देखो भूत कसम से भाई हर जगह भूत दिख रहा, कहाँ पे जहाँ पे शीशा है। अबे तू रात में ऐसे मंडराएगा अंधेरे में, हर जगह इतने शीशे हैं, कोई तो दिखेगा तुझे। मैंने तुझे भूत भगाने के लिए क्या किया, शीशे बाहर रख दिए। सही बात है, उसने बोला था ना मेंशन्ड देयर इज अ मिरर, सो पूजा व्हेन शी वाज टेकिंग द साइकिक रीडिंग आई थिंक यू सेड, तो उसने बोला कि मैं आज अच्छी नहीं दिख रही। ओल्ड एनर्जीज लाइक समवन डिड समथिंग इन द पास्ट। अबे एनर्जी क्या होती है मुझे ये तो बताओ, क्या होती है एनर्जी? अबे भाई पता नहीं क्या चूर बना रखा है, बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है तो पॉजिटिव आयन होते हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं तो जो नेगेटिव वाले होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी लाते हैं, उससे भूत प्रेत आते हैं वहां पे, ये सब चूर बना रहा है। कोई आदमी सेंसिबल आदमी ऐसी बंदी के साथ नहीं रह सकता भाई, कोई सेंसिबल आदमी नहीं रह सकता, ये रह सकता है। ये मैरिड थोड़ी है, ये तो बस अपना वो, अरे ये तो इसका तो वो चल रहा है यार इंटर्नशिप, सो देयर इज नो इशू एट ऑल, बट फॉर गुड बंच ऑफ पीपल दे डोंट नो शी हैड दोस मिरर्स। भूत बंगला वो नहीं होता, वो शीशे वाला घर, उसमें छोड़ दिया लोगों को जो भांग पिला के उनके कानों में चिल्ला रहे भांग पिला के छोड़ दिया उसको भाई, एक बार वो मिरर्स में छोड़ दिया उसको। गैजेट हियर एंड द गैजेट वाज ऑल डॉग गैजेट, बताऊं क्या है जो हॉट व्हील के ऊपर बैटरी बंद रखी है, रख देते हैं अगर चल गई तो भूत है। I'm in bed that time and it took me at the mirror and started ting and started happening. रुक जा मैं बताता हूँ क्या था गैजेट, क्या था, अरे वो कौन सा फोन था, I love you ये रहा गैजेट।
इनका गैजेट ये है आप क्या देख रहे हो भाई? दिखाओ क्या दिखा रहे हैं? हम अपने कमेंट्स पढ़ते हैं जब हमारे को बुरा लगता है, जब हमें बुरा लगता है तो अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं, जब हमें बुरा लगता है तो हम ऋषि को कॉल करके बोलते हैं कि तू अपने जनता को बोलता क्यों नहीं, बात फालतू ना बोलना मेरा एक्चुअली स्टोरी नहीं डाल जाती तेरे से भैया, पित को अकेला छोड़ दो भाई, मैं बोला फिर उसे हम पता ही ना। मैं उस दिन पता नहीं शायद उस दिन बताया था मैंने, जो तुम इससे पहले ही फुटेज देखोगे, जब पिछली बार अर्पित आया था यहाँ पर स्टोरी बोर्डिंग करने के लिए ऋषभ के घर पे, तो मैं ऐसे चेक करने के लिए कि अर्पित कितना फेमस है उसे बाहर ले गया घुमाने। मैं बेसिकली क्लासिक लेके गया, क्योंकि क्लासिक है महंगी जगह, तो भाई वहाँ शायद आते होंगे लोग बढ़िया बढ़िया देखने वाले कि देख लेंगे शायद ऐसे पहचान वहचान लिया कोई। वहाँ गए बाकायदा 5 मिनट खड़े रहे हैं, सब देख लिया इधर उधर, पूरा मेन्यू वेन्यू देख लिया, खाना वाना कुछ नहीं है देख लिया है, हाँ आइसक्रीम पार्लर है, ये कोई तो आएगा कोई तो मिलेगा यहाँ पे, कोई नहीं मिला। पीछे गए गंदे इलाके में जहाँ गंद कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे, हाँ तो वहाँ खड़े हुए हम लोग, वहाँ आए 3 लौंडे पनवाड़ी पे। अरे अर्पित वाला हो ना, फोन निकाला, चूत चाहिए भाई, चूत चाहिए भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, बोला उसने फोन निकाला और बोला भाई एक बार इस पे कर देना हम पे तो है ही ना। नहीं उसने बोला था भाई एक बार वो कर दो भाई चूत चाहिए भाई। और साथ में हमारी सिगरेट पीते हुए फोटो भी ले गए। मैं सिगरेट अगर पी रहा हूँ तो बोलता हूँ भाई यार एक फोटो खींच लो, मैं बोला भाई दो खड़े हो जाओ मैं खींचता हूँ। नहीं नहीं फोटो तो ली उसने, लेकिन बदतमीज लड़के थे भाई वो। जितने भी ये वो वाले लौंडे हैं ना, जो ईस्ट दिल्ली वाले लौंडे जो इसको देखते हैं, वो बहुत बेकार लड़के हैं सारे के सारे, उनमें कुछ वो नहीं है। मैं भी उन्हीं में आता हूँ वैसे तो। ये देखो ये हमारा बन गया है, इसे बोलते हैं हम व्लॉगिंग कैमरा। कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। जिम्मेदार हूँ जिम्मेदार हूँ। बढ़िया भाई, इसकी स्क्रिप्ट लीक कर देते हैं भाई, दिखाना जरा वैसे दिखा ऊपर ऊपर से तो दिखाई सकते हैं ना भाइयों, एक मत दिखाना सारी दिखा तो रुको ना डाल ये एक्स्ट्रा भी है इसमें भाई। ये देखो तुम्हें इसमें कुछ दिखाई तो नहीं देगा, बट दिस इज द प्रोजेक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर टुडे। इसका नाम है हॉलीडे होमवर्क, तो हमने इसकी ऐसे स्टोरी बोर्डिंग करी है बढ़िया से, सब ड्रॉ व्रॉ करके अच्छे से। Hey, what's up guys? हम हैं आपके जुड़वाज सुशांत निशांत। नीचे जाइए, फ्रीस्टाइल रैप लगा, फ्रीस्टाइल ये हाइपर डेज का चैनल लगा। मैं भोले का हूँ ताश उनको रखता है। हाँ अब इसकी वीडियो देख, ये वाली देखिए। अनजान से जगह पे फंस गए हम लोग, पता है जब घिसवाना इस जगह पे फिर मनाए क्यों शो। दुनिया में असल सजग मृत्यु है, फिर आ जाते वो साले शत्रु हैं, जो कहते हैं अपनों का जीना दुश्वार, लेकिन होती है जिंदगी इन्हीं की कबाड़। जो कहते हैं अपनों को दूंगा तुझे कांटा, ऐसों की होती है जिंदगी एक झाट। अपना अपना बोल के चुप करते ये सपना, संभल रखो कदम क्योंकि है इनसे बचना, इनको क्या लगता है करके दुश्वार, हमें रहेंगे ये मस्त बट पड़ेगी जब लाठी ऊपर वाले की। सुन रहे वो ध्यान से, सुनाना मुझे जिनको हाँ बात थोड़ी कड़वी है। मैं तेरे को बढ़िया गाने सुनाता हूँ भाई, बढ़िया गाने आओ भाई, तुम्हें बढ़िया गाने सुनाते हैं हम। आप डाय कुछ लोगों की नजरों में मैं हूँ बस यहाँ छोटा सा कीड़ा, तुम लोगों ने मुझे बहुत दिया पीड़ा, दुनिया कहता मुझको लूजर पर मैं खुद से करता प्यार, जीत या हार ये कीमती हार, मैं हर पल खाम कर कैसे समझाऊं ये लोग है दोस्त पर दोस्ती का दर नहीं। ये तो उसने क्या किया, क्या किया उसने, पहले रैप किया फिर बीट चढ़ाई, दो कैसे करेगा भाई बंदा। अब ये देखिए हमारा सक्षम भाई का सेटअप, सक्षम भाई का सेटअप साथ साथ हो रिकॉर्डिंग। जाता मैं स्कूल
ये प्लेलिस्ट का लिंक दिया भाई, ये रिएक्शन वीडियो बना दूंगा। लेट्स गो। आने वाला नहीं, हाँ चल रहा ये घोर कलयुग है जहाँ सच को दबा जीते सरे हाँ। फिर भी कहते कि वो ये जिंदगी हराम है, मैं सच्ची बताऊं तो मैं वो गुप्त तरीके से होते नीलाम है, बस इसलिए कहते ये जिंदगी हराम करो जो तुम अच्छा सा काम इनको आता नाराज इनके चाहोगे जो पास लेना बच कर ही। हेलो गाइस, मैं आज आपसे बताने वाला हूँ मेरे चैनल को क्या हुआ, एक लाइक वाले चैनल के साथ क्या हुआ। उस पर बेसिकली रिसेंटली 3 स्ट्राइक आई थी, वो चैनल 3 स्ट्राइक की वजह से डिलीट हो चुका है। पता नहीं कैसे उस पर 3 स्ट्राइक आ गई, मैंने तो ऐसा ऐसा अपलोड भी नहीं किया था, लेकिन वो चैनल 3 स्ट्राइक की वजह से डिलीट हो चुका है। एक महीना और 3-4 महीने के अंदर ही उसमें 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो लोगों को जलन होने लगी। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार ये तो ऑडियो है, कोई बात नहीं, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कर दो भाई प्लीज, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ये वीडियो। ये जो वो वाली चीज़ नहीं होती भाई, मेरा ना सही में चैनल उड़ गया था भाई, भाई मैं सही में भाई मेरे को फिर से कर दो भाई। क्या तुम खेतों जो नजरें चुराने लगी है, अब मुझसे बातें छुपाने लगी है, आने पर तो पहले जैसी आती नहीं, अब क्यों आप जब मुझे ड्रॉप करते हो तो क्या आप वेट करते हो मेरे पलटने का, तुम तो पहले जैसी मुस्काती नहीं। यस, इंतजार कर रहे हो, मूव ऑन, इंतजार कर रहे हो किसी के कॉल का, मैसेज का, मैसेज मत करो इंतजार, नहीं आएगा मैसेज, वो इंसान जा चुका है, अब एक्सेप्ट करो। अगर उसे तुम्हारी थोड़ी सी भी पड़ी होती तो वो तुमसे कांटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करता, वो खुश है अपनी लाइफ में जहाँ भी है जिसके साथ है, अब तुम भी खुश रहना सीखो। अर्पित बाला लाइव स्ट्रीम। एक ऑट हो गया, दो आएंगे। सेल्फ कंट्रोल पीपल्स आर वेरी डेंजरस, कैन अ वॉइस इनसाइड देम एंड ओनली फ्रॉम आउटसाइड दे आर रिजिड एंड फुल ऑफ कंट्रोल। प्लीज रिमेम्बर एनीथिंग दैट इज फोटो लगा के कंट्रोल्ड रिक्वायर्स सो मच एफर्ट एंड एनर्जी। ठीक है भाई, समझ गया मैं, औरत की बात भी सुननी है। अरे भाई फीड खत्म हो जाएगी, मत देखिए, मेरे को यही सब देखना भाई, मैं नहीं देखना चाहता भाई। किस स्ट्रीम में दिखाई हो ना अपनी? अरे यार क्या हो, स्ट्रीम पे नहीं जियो, मेरे को नहीं दिखाना भाई, अब नहीं सुनते स्ट्रीम पे जियो, दारू डाल, मैं बहुत उदास भाई, ये तो करूंगा भाई। मैं तो बहुत उदास हूं भाई, मुझे मोटिवेशन चाहिए। हां भाई, ये तो करना पड़ेगा भाई, ये तो बात सही करी तुमने। ओए अच्छी ये, हां YouTube channel. ये तो क्या है, वो था ना लर्न इंग्लिश इन 30 डेज,
ये करने पे उनको एक वो मिलता होगा मतलब वही कि मतलब एक ना YouTube चैनल बनाओ कमेंट देख उसके कमेंट देख और उसका एक डोंट फॉरगेट टू वॉच PS2 नाइस इनिशिएटिव ये वाला कमेंट देख बेस्ट की तो देख ओम फो माय टीचर इज वेरी ग्रेट ये देखना चाहूंगा ये देखते हैं आज एक छोटी सी पोएट्री दुनिया भर के हर टीचर के लिए हम शायद याद न रख पाए हर चीज जो आपने सिखाई है पर ये बात हमेशा याद रहेगी कि जिंदगी आपने बनाई है क्या बात है पता है हमें क्या करना चाहिए था उसने बोला ना जहाँ उसने बोला ऐसे वहाँ हमें खाई है पर ये बात हमेशा याद रहेगी कि हमने हर रोज मैं नहीं कह पाता पर दिल से कहता जब कहता हूँ थैंक यू डियर टीचर आपने मेरा कूड़ा उठा लिया मैं आपका शुक्रिया करता हूँ किताबें नहीं जिंदगी पढ़ाई या यूं क्योंकि मैंने बेच दी ना बेचा 10 रुपए की पैंट आई चाहे भाई पता ही पर क्या हुआ था हम लोग ना तुमने बताया था लाइब्रेरी से उठा के किताबें नहीं थी सामने वो शीट थी डीडी की शीट होती थी मोटे कागज वाली जो भारी कागज होता है ना चार्ट पेपर आता था हमने वो ऐसे उठाई होगी 10-12 किलो उठाई बैगों में भरी और ले गए बाहर बेच दी गाड़ी वाले पे चाप खाई रात में स्कूल की प्रॉपर्टी थी या तुम्हारी थी स्कूल की प्रॉपर्टी भाई फिजिक्स लैब में गई नीचे खोली भाई और इतनी सारी रखी हुई थी उठा ली देखी भी नहीं भाई बस की बायो की लैब में इतनी मोटी मोटी किताबें थी कुछ नहीं पता क्या है सब भर ली जाके बेच दी सेकंड हैंड वाले की दुकान पे 10वीं 12वीं बच्चे मेरा मैडम ये मेरे बायोलॉजी का काम है मैडम ए मैम बड़ा सुबह के 8 बजे उठकर चला कॉलेज जैसे कॉलेज गेट पर पहुंचा उधर से सवाल आता है आर यू ए स्टूडेंट सलाम साहब बोल रहा है क्या ये अपनी नींद कुर्बान करके कॉलेज जाता है क्लासेस करने बिना नाश्ता किए उसी से सवाल किया जाता है आर यू ए स्टूडेंट नहीं बेंचोत मैं टेररिस्ट हूँ कॉलेज उड़ाने आया हूँ ये किस तरह का सवाल हो रहा है हमसे यार कॉलेज ड्रेस में मैं आता हूँ दिखता हूँ पर इस चीज को बोलते हैं ना आंख मूंद के रिस्क लेना पड़ता है अगर रिस्क नहीं लेंगे ना रियल हारेंगे ज्यादा ज्यादा हारेंगे गरीब है क्या होगा वक्त जाएगा पर मेरा कहना ये है कि यार बंदा हारे 20 रुपए थे 20 का पान दे दो 50 का कुल्ला है 100 का भी दे दो देखो दोस्तों देखो महंगे जूते लेके आया है पैसे वैसे वाली बातें हो गई है ना आजकल ऋषभ भाई ये देखो हमें लौंडे ये देख एक मिनट देख भांजो तेरी चप्पल दिखाइयो मतलब है तो मेरी अब ये देख देख भाई मतलब अगर देख चप्पल कभी जल्दी उतारनी हो ठीक है और फिर मैं इसे क्या बोलूंगा भाई तू भैंचो टाइम ले रहा है अगर तेरे को भैंचो तू आया कहीं पर बताना है कि तूने जूते उतार लिए हैं ठीक है और ठीक है अब जैसे कि कहीं नहीं बताना अरे इसकी लाइट ऑन करो ना लाइट ऑन करो अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा अब दिखेगा ये अर्नब भाई पीछे आ जाओ मेरे को आगे से व्लॉग करने दो तो पीछे की सीट में तो खुलेगी अब ये नहीं जूस में तेरी बात तो कौन सी कि भाई जिम कर लो तो बहन तो पूरा दिन सिर्फ जिम ही किया भाई ऐसा कुछ नहीं है ये नए नए लड़कों की वो है दिमाग नहीं चलता भाई सर बहन जो बिल्कुल ऐसा सा हो जाता है तो भाई जिम रात में जाते हो उससे पहले पूरा दिन करो काम जो करना रात में कौन जाता भाई ये जाते हैं भाई इनका जिम जो ज्यादा काम कर लो तो जिम में मेहनत नहीं हो पाती ऐसा कुछ नहीं है इनका काम है ही नहीं लेबर वाला बैठे रहते हैं नहीं दिमाग वो नहीं यार एक मेंटल कैपेसिटी होती है एक अच्छा जी जिम में भी लगती है मेंटल कैपेसिटी हां भाई ऋषु भाई ने जिंदगी में एक बार जिम कर लिया उसके बाद 15 मिनट में तेरे को 1 to 15 काउंट करना होता है
और वो भी चार चार बार तो इतने में तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है जाता भाई। जो इतनी बारी 15 तक काउंट कर ही जा रहा तभी और उसके बाद सुपर सेट और तभी तुम पे नहीं है भाई कुछ मैथ और खराब हो जाती है आदमी की। हाँ तभी तुम पे है ही ना दम पे तो है ही ना यही बस आता है तुम्हें। ओके ये बस वो एक सटल इशारा था कि व्लॉगिंग बंद हो जाए कॉपीराइट पड़ जाएगा। नहीं नहीं अमन भाई के पास उसका भी जुगाड़। और बताओ कीर भाई कहाँ घूम के आ रहा है आज? ऐसे ही घूमे भाई सड़कों पे न्यू यांडर है भाई। कल मैंने तेल भराया गाड़ी में खत्म हो गया था। पापा दिन देखेंगे मेरे। कल मैंने तेल भराया 2000 रुपये का कैरी फ्यूल फ्यूल खत्म हो गया 2000 रुपये का तेल भाई। ये अभी हम इस गाड़ी को चलाना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। सही में नहीं कर सकते। रुक जा तुम्हारा भाई मैं आया अभी अर्पित बाला के घर पे भाई। मैं हूँ चार चार पैक डाउन बहन चंद्र बहुत पिलाई कह रहा हूँ चोदेगा। भाई तुम्हें भूत दिखाऊं भूत वो देखो भाई प्रथम भाई ये ऑफ कर दे। क्या कह रहे हो भाई? मैं कह रहा हूँ आप को ना मैं पाकिस्तान कैसे हराना है उसकी पूरी स्ट्रेटजी है मेरे पास। आओ सबसे पहले हमारे को लेना है बलोच ठीक है। बलोच अगर आ गया लाहौर अपना है यहाँ पे ठीक है। ये अफगानिस्तान साइड है ये तालिबान लेंगे ये सारा हम ले लेंगे ये हाँ मैं बोल नहीं सकता भाई। ये देखो इन्हें ये बनेंगे मॉडल। ये चढ़ जाते हैं उतर पाते नहीं है। कर दिया हम लोग वापस आ चुके हैं आरडीआर कैन कोल्ड ड्रिंक पे। हम लोगों ने सफ़र अपना यहीं से शुरू करा तो देखो ये आगे ख़त्म हो गया। तेरी तो खींच दी मैंने ऊपर मजा भाई। ये देखो इनको यहाँ पलटी हुई गाड़ी मिल गई सबको बारी बारी फ़ोटो खिंचानी है। फ़ोटो खींच दो मौसम देख रहे हो लेकिन तुम कितना बढ़िया हो रहा है। वाह कैसे आ गई है भाई ठंड। अक्टूबर आ गया है भाई। तो भाई वैसे ठंड ज्यादा रहती भी है। अक्टूबर आ गया और ये कह रहे ठंड क्यों आ गई है। हमने यहाँ शूट करा था फरवरी में गुड बाय गुरुजी का वहाँ शूट करा था हमने वहाँ पे। वो अबे तो गुड बाय गुरुजी यहाँ पर शूट करा था तुमने। यहाँ करा है और दो तीन जगह करा था। लोड़ा बहन चो पहाड़ों की मैगी ये देखो फरीदाबाद की मैगी खान भाई की मैगी लड़के दीवाने हैं। मौसम हो रहा जेड़ा हाथ में आई मैगी। मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा आज। अबे राइम करना था। मौसम हो रहा है जेड़ा हाथ में आ गई मैगी। आई लाइक बूफ स्पेशली व्हेन देयर सैगी। तो जब कोई सबको बताया कि मेरे को रात में निकलने का बहुत शौक है घर से बाहर तो मैं रात में आ जाता हूँ घर से बाहर। घर से बाहर कहाँ आऊँगा पहले मैं आया ऋषभ के घर फिर हमने थोड़ा सा काम करा फिर अब हम लोग थक गए हैं तो हमने माइंड फ्रेश करने के लिए सोचा कि चलो थोड़ी देर बाहर घूमने चलते हैं। बट हम लोग बाहर घूमने गए एक चाय वाले पे तो वहाँ पे ना 5-6 लोग बैठे हुए थे और जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैंने ऋषभ से बोला यहाँ रुकना है क्या? ऋषभ कहता भाई देख ले। मैंने आगे ले ली गाड़ी। ऋषभ कहता है कि हाँ भाई ये तो सब शक्ल से देखने से ऐसे लग रहे थे एक बाइक स्नैचर एक फ़ोन स्नैचर एक गोप्रो स्नैचर एक चेन स्नैचर सब साथ में बैठे हुए हैं बुलेट स्नैचर। और जैसे ही हम लोग 24/7 गए वहाँ पर आ गया एक ज़ॉम्बी भिखारी। ज़ॉम्बी भिखारी होता है बेसिकली जिसे कुछ नहीं आता वो इतना नशे में धुत है कि उसे सिर्फ तुमसे भीख मांगनी आती है तुमसे सिर्फ भीख मांगेगा। उसने बोला वैसे इज आल्सो अ नॉर्मल भिखारी मुझे भी कुछ नहीं आता भीख मांगने के अलावा। भाई मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ भाई व्हाट डिफरेंशिएट्स अ ज़ॉम्बी भिखारी एंड नॉर्मल भिखारी इज अस अ भिखारी इज कि he does something and then asks what you for money. What does he do, bro? It does nothing. That's why he has to beg. No. वो कुछ नहीं करता पूरे दिन में. What are you talking about, bro? So, thing is he goes to people and he asks for money. Like दे दो. And zombie भिखारी is like. तो इसका क्या मतलब है? दे दो इतना. अरे नहीं यार. भाई तुम लोग समझ. नहीं तुम लोग समझ जाओ। तो रहा था वो बस तेरे को देना नहीं था तो उसकी अब रोस्टिंग और चालू कर दी तूने। भाई आल्सो मैंने क्या सोचा है कि जो ये व्लॉग आने वाला है ना जो तुम अब देख रहे हो तो ये बेसिकली एक 25 मिनट का व्लॉग है। तो 25 मिनट के व्लॉग से मेरा मतलब है कि अब मैं सोचा कि मैं रोज व्लॉग तो कर नहीं सकता हूँ मैं हफ्ते में 2 व्लॉग भी नहीं डाल पाऊंगा शायद। देखा तुम बहन जो 5-6 मिनट की वीडियो स्किप कर करके देख रहे हो तो हमने 25 की बना दी। वॉच टाइम मिलेगा कर लो करो स्किप।
आगे बढ़ा रहा है ले, अभी भी मेरी शक्ल आ रही होगी, और बड़ा बनाएंगे, बता क्या करेगा। अच्छा तो मैं कह रहा था कि मैं हफ्ते में एक व्लॉग डालूंगा जो कि आएगा फ्राइडे को, और फ्राइडे टू फ्राइडे व्लॉगिंग चलेगी जब तक मेरी हिम्मत थोड़ी और नहीं बढ़ जाती कि मैं, मतलब मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो जाती, नहीं जब तक मेरी हिम्मत और नहीं बढ़ जाती और मैं उसको मतलब थोड़ा और एफिशिएंटली ब्लॉक कर पाऊंगा। पैसे भेजो इस आईडी पे जो मेंशन कर रहे हैं यूपीआई की। नहीं नहीं अभी नहीं मेंशन करूंगा, अभी नया नंबर दो मेरे, मुझे गोप्रो दिलाओ नया भाई। मैं ना भाई मैं तो इस व्लॉगिंग चैनल का मेन पर्पस यही है कि मैं घूमना चाहता हूँ और बस वो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और पैसे वैसे मेरे को देते रहना तुम लोग, मैं सही में नया नंबर लेकर डाल दूंगा। ये पैसे लगते हैं यार, हैं जो बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं यार। और फिर वो नंबर तुम टिंडर पे डाल देना ओटीपी जनरेट करने के लिए, फिर मैं तुम्हारी गांड में अब जो नंबर देखे तो मैं SMS बॉम्ब डाउनलोड करूं जल्दी से मेरे को, मैं अकेला ब्लॉगर हूँ इस पूरे उसका जिसको लोग कमेंट नहीं करते, उसको सीधा व्हाट्सएप करते हैं, मेरे को लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया। लेकिन ठीक है, इसी के साथ ये ब्लॉग खत्म होता है और अब मैं कुछ करना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ।